कवि गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजं एंड वेलकम अगेन। थोड़ा सा जब टाइम मिला तो मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि रिजल्ट डेट, जैसे आपने सर्कुलर भी देखा पिछले वीडियो में, जल्दबाजी में बताया। इसके अलावा पहले कि आगे बढ़े, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और क्योंकि अब दिस चैनल डिजर्व मोर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम यू पीपल, थैंक यू सो मच। ये भी मांगूंगा हाथ जोड़ करके कि जो रिजल्ट डेट मैंने बताई थी वो आपने सही करी, उसी तरह से जो मैंने आप सब लोगों के मार्क्स प्रेडिक्ट करे हैं वो भी उसी तरह से आए जैसे डेट आई है। और मुझे उम्मीद है भगवान हम लोग का प्रसाद एक्सेप्ट करेंगे और आप सब लोग फ्लाइंग कलर्स के साथ में कल उछलते कूदते आएंगे। और आई होप आप ये भूलेंगे नहीं, कल जब मैं वीडियो रिजल्ट के बाद डालूंगा तो उसके अंदर आप सभी लोग मेरे को अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। और अभी क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं बाहर हूँ, मैंने एक मैसेज डाला है उसमें पिन करा है, मैं आज कानपुर में नहीं हूँ, नोएडा में अभी हूँ और वहीं से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप बैकग्राउंड मेरी देख पा रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ। आज भी सुबह से जब भी टाइम मिला मैंने मैसेज डालने की कोशिश करी, क्योंकि मैं उस टाइम पे रास्ते में था, कानपुर से नोएडा 450 किलोमीटर है, उसी दौरान मैं रास्ते के अंदर से मैसेज डालता हुआ, जो अभी मेरे को टाइम मिला या कोई जानकारी मिली तो मैंने आपको बताया कि वो फेक मैसेज थे जो आज 3 बजे का बता रहे थे। और मेरे को ये मालूम है क्योंकि मेरे सारी चीज़ें सेट पैटर्न से होती हैं। जो सर्कुलर आते हैं वो मेरे को मालूम होता है कब आएगा, और वो स्कूल में आते हैं तो वहाँ से मेरे को सबसे पहले मिल जाता है, और ये मेरे को मालूम था सबसे पहले मेरे को मिलेगा और मैं आपके सामने यहाँ पे डाल दूंगा। तो बस मेरे को जो टाइम लगा वो जब सर्कुलर आया तब भी मैं गाड़ी में रास्ते में था, लेकिन मैंने आते ही 5-7 मिनट डिले हुआ, लेकिन मैंने आते ही सबसे पहले वीडियो बनाया और बिना एडिटिंग करे वो आपको सीधा डाला, ताकि आपको ये न्यूज़ जल्दी मिले और आपकी जो पेट के अंदर जो चूहे कूद रहे हैं वो ना कूदे। अब आपने देखा रिजल्ट कल आ रहा है, संडे है, बहुत अच्छा दिन है, और आप अभी भगवान श्री गणेश के सामने पूजा करें जो हिंदू लोग हैं, और जो मुस्लिम मेरे बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं मेरे को मालूम है, वो अपने अल्लाह के सामने, जो सरदार है वो अपने वाहेगुरु के सामने पूजा करें हाथ जोड़ करके, या उनसे दुआ मांगें कि कल जो हो वो सब बच्चों के लिए, जितनी भी हमारी फैमिली है, लगभग 18,000 के आसपास मेरी फैमिली है इस YouTube के ऊपर, तो सभी का भला हो और सब के सब खुश हों, कोई भी कल मायूस ना हो हमारी फैमिली से। इसी दुआ के साथ आगे हम लोग वेट करते हैं रिजल्ट का। कल सुबह मैं शायद वीडियो ना डाल पाऊँ, हो सकता है, तो उस दौरान मैं, लेकिन रिजल्ट से पहले मैं जैसे ही कानपुर पहुंचूंगा मैं कोशिश करूंगा आपके सामने एक और वीडियो बेस्ट ऑफ लक का डालने के लिए। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से सोइएगा, मेरे वालों में नींद नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करिएगा आराम से सोएं, कोई दिक्कत नहीं है, कल वही रिजल्ट आएगा जो हम लोगों ने अब तक बातें करी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।